हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी एंड हमारी चैनल टेक्नोस्फीयर में। मैं लैम और जिगर एक बार फिर से आपके सामने आए टेक्नोलॉजी टॉक्स का एक नया कूल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, हमारा पहला अपडेट शाओमी की ओर से आने वाले पोको एफ वन फोन के बारे में है। फ्रेंड्स, जब पोको को शाओमी ने लॉन्च किया था, तब शाओमी ने ये भी अनाउंस किया था कि ये फोन में फोर्थ क्वार्टर में हमें एंड्रॉयड पाई का अपडेट आने वाला है। तो वही एंड्रॉयड अपडेट हमें और जल्दी भी मिल जाने वाला है। फ्रेंड्स, शाओमी की ओर से आने वाले पोको फोन में हमें जल्दी ही एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, हमारा अगला अपडेट बीएसएनएल की ओर से है। बीएसएनएल अपना एक नया रिचार्ज प्लान मार्केट में लॉन्च कर रहा है और इसमें शामिल है ये प्लान की प्राइस है 105 रुपीज। एंड ये प्लान में हमें 90 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रहा है। अगर आप बीएसएनएल का सिम यूज करते हैं तो ये रिचार्ज का फायदा आप उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला अपडेट रेजर कंपनी की ओर से है। फ्रेंड्स, पहले मैं ये बता देता हूँ कि रेजर कंपनी क्या है। रेजर कंपनी एक हाई एंड गेमिंग डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, यही रेजर कंपनी ने एक फोन भी लॉन्च किया है एंड वो फोन का नाम है रेजर फोन 2। एंड वो फोन में हमें 120 गीगाहर्ट्ज़ का रिफ्रेशिंग रेट मिलने वाला है एंड ये रिफ्रेशिंग रेट मोबाइल फोन में सबसे हाईएस्ट रिफ्रेशिंग रेट है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि रेजर का ये रेजर फोन 2 इंडियन मार्केट में कब एंड कौन सी प्राइस सेगमेंट के साथ आता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला अपडेट सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की ओर से है। हाल ही में हमें हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि न्यूयॉर्क में रहती एक महिला के फोन में सैमसंग नोट 9 फोन यूज कर रही थी, उसमें हाल ही में ब्लास्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि पहले के मतलब थोड़े अरसे पहले जैसे हम बात करें तो नोकिया फोन की बैटरिया में भी ये ब्लास्ट होते थे, लेकिन अब ये ब्लास्टिंग सैमसंग में भी शुरू हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि सैमसंग इस अपनी ये एरर को कितना सीरियसली लेता है और इसको रिकवर भी कितने टाइम में करता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला अपडेट व्हाट्सएप की ओर से है। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप में एक नया अपडेट आने वाला है एंड वही अपडेट में हमें व्हाट्सएप डार्क मोड भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये डार्क मोड लो लाइट में बहुत ही यूजफुल होने वाला है एंड व्हाट्सएप उसके स्वाइप टू रिप्लाई फीचर पे भी वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि व्हाट्सएप के ये दोनों फीचर अब हमें कब मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला अपडेट गूगल पिक्सल 3 XL फोन की ओर से है। फ्रेंड्स, पिक्सल 3 XL के लॉन्चिंग टाइम पे उसके कलर वेरिएंट का कुछ जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार उसके 3 कलर वेरिएंट आने वाले हैं जिसमें ग्रीनिश, व्हाइट एंड ब्लैक कलर दिख रहा है। तो देखते हैं गूगल पिक्सल 3 XL में हमें ये 3 कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं कि नहीं है। तो इसके लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, हमारा अगला अपडेट सैमसंग की ओर से है। फ्रेंड्स, सैमसंग ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 11th अक्टूबर को एक गैलेक्सी इवेंट रखने वाले हैं एंड फ्रेंड्स, यही इवेंट में सैमसंग उसकी मिस्टीरियस डिवाइस को भी लॉन्च करने वाले हैं एंड वो डिवाइस का पोस्टर लीक हुआ है एंड उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि उसमें लिखा गया कि 4X फन। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि 11th अक्टूबर को सैमसंग ये अपनी मिस्टीरियस डिवाइस कौन सी है वो लॉन्च करती है। फ्रेंड्स, हमारा अगला अपडेट गूगल असिस्टेंट की ओर से है। जैसे कि फ्रेंड, हम सबको पता है कि गूगल असिस्टेंट एक वॉइस सर्च टूल है जिससे हमें बहुत सारी ऐप जिससे हम बहुत सारे काम बिना फोन को टच किए ही एक जस्ट वन होल्ड से हम कर सकते हैं। तो उसमें ये गूगल असिस्टेंट में सॉन्ग भी हमें डायरेक्टली हम सर्च कर पाएंगे, उसका भी हमें ऑप्शन मिलने वाला है। तो यही ऑप्शन हमें गूगल असिस्टेंट की और सॉन्ग गा के हम सॉन्ग को भी सर्च कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा फाइनल अपडेट नोकिया की ओर से है। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि नोकिया का एक और फ्लैगशिप फोन आने वाला है जो है नोकिया 9 एंड उसी के साथ एक और फोन आने वाला है जिसका नाम है नोकिया X7 एंड उसकी फ्रंट पैनल सामने आई है। एंड फ्रेंड्स, ये फ्रंट पैनल में हमें नॉच दिखाई नहीं दे रही है बट छोटी सी ऊपर की साइड बेजल दिख रही है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि नोकिया 9 एंड नोकिया X7 में हमें क्या क्या स्पेसिफिक। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना भूलना मत फॉर मोर अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं लैम्ब जिगर कैमरामैन अशोक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी टॉक्स में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।